टूर देख रहे हैं। दो समस्या चल रहा है विद्यार्थी के मन में, जो एग्जाम दे दिए हैं उनके मन में यह चल रहा है कि अब रिजल्ट कब तक आएगा, बीपीएससी टीआरई 3 वाला जो बाकी है 9th 10th और 11th 12th का, और जो विद्यार्थी जिनका रिजल्ट आ चुका है वो ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग कब से होगा, क्या काउंसलिंग होगा या कितना और विलंब हो सकता है या सभी रिजल्ट आ जाएगा तब काउंसलिंग होगा। और एक नोटिस आप देखे होइएगा, नोटिस आने के बाद जो तारांकित प्रश्न किया गया था मंत्री महोदय से, उसके बाद विद्यार्थी के मन में यह चल रहा है कि अब TRE 4 नहीं आएगी क्या, यदि TRE 4 आ रही है तो कितना सीट रहेगा, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्या रोस्टर में इस बार भी सीट कम होने की संभावना है? मेरे साथ शशि शरण सर, सर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। रोस्टर कब तक हो सकता है, क्यों रोस्टर रिटर्न हुआ, क्या रोस्टर ये चल रहा है, ये कई दिनों से चल रहा है और उम्मीद थी कि इस हफ्ते में रोस्टर क्लियर हो जाएगा और अगले हफ्ते यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 2-3-4 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि रोस्टर वापस लौटा दिया गया है, अशुद्धियां हैं कुछ। अब रोस्टर काफी जटिल है, इसलिए जटिल है क्योंकि 9th 10th 11th 12th के अंदर में लगभग 35-36 विषय हैं, हर जिले का हर विषय निकालना, उसको रोस्टर बनाना, तैयार करना और भेजना, और भेजने के बाद उसमें अशुद्धियां पाई गई हैं जिसकी वजह से विभाग ने जो है उसको वापस लौटा दिया है। अब फिर से रोस्टर तैयार होगा, फिर से बनेगा, तब जाके वो जाएगा, तब उसका कंफर्मेशन होगा, GAT भेजेगा BPSC को, तब जाके वो फाइनली जो है अप्रूव होकर वैकेंसी के रूप में आएगा। तो मान के चलिए अब मुझे जो अपना दिख रहा है कि 10 तारीख जो है आराम से चला जाएगा, 10 दिसंबर से पहले रिजल्ट की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सर क्या सीट कम होगी या वो नहीं रहेगी? देखिए सीट कम और ज्यादा जो है विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जब 1-5 आप देखेंगे, 6-8 देखेंगे, दोनों जगह सीटें कम हुई हैं, तो उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि यहां भी सीटों की संख्या कुछ कम होगी। लेकिन बस हम और बच्चे सब लोग यही चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आप हो, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि कम से कम जितनी सीटें निकाली गई थी उतनी सीटें रहें कि बच्चों के मन में कोई शंका पैदा ना हो। तो हमारी भी इच्छा वही है, आपकी भी इच्छा वही है, लेकिन अब देखिए फाइनल जब रोस्टर आता है तो उसी को मान्य करना पड़ेगा जो आयोग जमा करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या 1-5 का, 6-8 का, 9th 10th का, 11th 12th का, एक जब रिजल्ट आ जाएगा तब एक डेट दिया जाएगा या इन लोग का पहले कराया जा सकता है? देखिए मुझे लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बारी बारी से ही कराना जाना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बारी बारी से कराया जाएगा, उसके बाद भी सीट खाली बची जाएगा, आप देखिएगा लास्ट में यही होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप देखते हैं सोशल मीडिया पर चारों तरफ समाचार पत्र में चिट्ठियां घूमते रहती हैं कि भैया फलना आदमी के ऊपर जांच किया गया, इतने 20 लोग फर्जी पाए गए, 20 लोगों का सीटेट फर्जी पाया गया, 20 लोग अन्य राज्य वाले थे उन्होंने गलत सर्टिफिकेट बना दिया, हैंडीकैप्ड वाले लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के जो दौड़ रहा है वो हैंडीकैप्ड का बनवा के, ऐसे बच्चे कह रहे हैं, मुझे इसका बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो बातें निकल के आ रही है वो बातें क्लियरली ऐसे बता रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जब डॉक्यूमेंट की जांच हो तो जो अधिकारी जांच करें उन पर भी जिम्मेदारियां तय की जाएं। भाई आपके एक गलत जांच और सही जांच के कारण किसी एक घर का जो है खुशी चला जाएगा, मान लीजिए कि गलत आदमी चुना जाएगा फिर उसका दो सीट खाली हो जाएगी, उसको आप बाहर निकालेंगे तो अब देखिए TRE 1 और 2 में अभी तक चिट्ठियां आ रही हैं, रोज रोज लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, तो क्यों ना जिम्मेदारी उस अधिकारी पर तय कर दी जाए जो अधिकारी जो है इस जांच को करते हैं, ताकि वो भी सचेत होकर जांच करें और सब कुछ फेयर एंड नीट एंड क्लीन हो, तो फिर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी समस्या चल रहा है और बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला है, 1 तारीख से आवेदन करेंगे 15 तक, उसके बाद लेट फी के साथ आप 31 तक कर सकते हैं सब कुछ, क्या उनके बाद ये लोग देखेंगे किस जिला में किस विद्यालय में क्या है? डेफिनेटली ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद ही होगा ये सब कुछ जो नजर आ रहा है, क्योंकि आप ये भी देखिए और ट्रांसफर पोस्टिंग वाले भी लोग ज्यादा चिंतित ना हो, माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो जहां है वहीं आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और देखिए हर किसी को परेशानी होती है, मान लीजिए आप पटना में रह रहे हैं, आपको हम बोल दें कि आप चल जाइए रामपुरवा गांव में, तो आप भी टेंशन में आ जाइएगा, आपकी पत्नी भी चिंता में आ जाएंगे कि कैसे हमारा पति रामपुरवा गांव में रहेगा, है कि नहीं, आप भी चिंतित हो जाएगा, वहां लाइन रहेगा, बिजली रहेगा, इन्वर्टर जमा करना पड़ेगा, खाना कौन बनाएगा, तो ऐसी परेशानियां सबके साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में इसको विचार करना चाहिए और शिक्षक है उनको कहीं ना कहीं पढ़ाना ही है, तो इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का चूंकि वित्तीय संबंधित तो काम है नहीं, मान लीजिए ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग कहां किया जाता है जहां फाइनेंशियल चीजें इंटीमेट होती हैं, यहां पे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है नहीं, उतनी फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो जहां है वहीं रह जाए तो सबसे बढ़िया होगा। सर एक प्रश्न ये चल रहा है, उस दिन आप देखे होगा जब विधानसभा चल रहा था उसमें प्रश्न किया गया कि कितना सीट TRE, लेकिन उसमें TRE का नाम नहीं लिया गया, बोला गया कि कितना है, तो अनुपात में बताया गया कि टोटल अब पूरा हो चुका है, तो विद्यार्थी सोच रहे हैं क्या TRE 4 नहीं आएगी या आएगी तो क्या रह सकता है, इन सारी चीज को देखिए TRE 4 क्लियरली आप निश्चिंत रहें TRE 4 आएगी, चूंकि अब बहुत ज्यादा आंकड़ों का खेल यहां समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि TRE की वैकेंसी आ रही है, TRE 4 की आप तैयारी में जुट जाए। मैंने पहले भी कहा कि फरवरी के आसपास में मुझे लगता है कि एग्जाम होने की संभावना है और छात्र जो अपनी तैयारी करें और वो अपनी तैयारी पर लिहाजा ध्यान लगाएं, इनमें इधर उधर की परेशानी को ना झेलें, ये कंफर्म है कि वैकेंसी आ रही है। अब रही बात सीटों की संख्या की बात, तो शिक्षा मंत्री ने कहा 1,60,000, उस 1,60,000 का कैलकुलेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, ना आप जानते ना हम जानते ना शिक्षा मंत्री को पता, जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाए। लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि सिलेबस चूंकि इतना बड़ा है, TRE का सिलेबस भारत की कोई भी परीक्षा है उसमें सबसे बड़ा सिलेबस है, इनफैक्ट बीपीएससी सिविल सर्विसेज का भी जो सिलेबस है वो TRE के सामने आधा है, क्योंकि TRE के सिलेबस के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, EBS, इतने विषय है, 13 विषय एक जनरल विद्यार्थी को पढ़ने हैं,
बच्चे पढ़ाई पर फोकस करें और निश्चिंत रहे, TRE4 आ रहा है, मतलब आ रहा है। सर इस बार जो अभी 22-24 वाले हैं, 23-25 वाले विद्यार्थी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा विलंब होगा तो हम लोग भी सामने, उनको क्या कहिएगा? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो आपने प्रश्न पूछा। हर कोई चाहता है कि हमको इस बड़ी वैकेंसी में शामिल होने का मौका मिले, लेकिन ये उतना मुझे डिले नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है फरवरी तक में ये वैकेंसी आपको क्लियर होती नजर आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दिख रहा है और हर कोई चाहता है कि भाई मेरी नौकरी हो जाए, क्यों ना कोई चाहे। बच्चे जो 23-25 वाले हैं वो बड़ा गुस्से में भी हैं कि सब अभी निकाल दो लोग वैकेंसी, तो हमारा मेरा का हुई, ये भी लोग बात कह रहा है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप धैर्य रखिए, बाकी ऊपर वाला किस्मत लिख के भेजता है, जहां आप निर्धारित है वहां तो जाना ही है, लेकिन अब वैकेंसी आती रहेगी, संख्या कम हो ज्यादा हो, लेकिन वैकेंसी लगातार आती रहेगी। डेफिनेटली ना, बिहार में कितने स्कूल हैं, लगभग अच्छे खासे स्कूल हैं, लाखों की संख्या में विद्यालय हैं। अगर हर स्कूल से अगर एक एक को आदमी रिटायर हो रहा है, अगर मान लीजिए 25,000 विद्यालय है तो 25,000 वैकेंसी तो क्रिएट हो जाएगा हर साल, और आपको नहीं लगता है कि हर स्कूल से एक एक आदमी रिटायर करेगा, तो आप थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचिए, चीजों को कैलकुलेट कीजिए तो आपको अच्छा नजर आएगा। सर इसमें 1 to 5, 6 to 8 वाले विद्यार्थी और परेशान है, जबकि बताया गया कि 28,000 केवल कंप्यूटर शिक्षक को ऐड किया। कंप्यूटर वाले शिक्षक की बिहार के अंदर में जरूरत है और बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है। मैंने 28,000 नहीं 26,000 कुछ ऐसा सुना था, लेकिन वही 25-26 हजार 28,000 वैकेंसी आ रही है। जो भी लोग कंप्यूटर वाले हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, ये सारे लोग अपनी तैयारी कमर बांध लीजिए और उनके लिए काफी अच्छा गोल्डन। बिना बीटेट का वो कैसे संभव होगा? बीटेट तो कराना ही पड़ेगा और मुझे लगता है कि बीटेट कराना भी पड़ेगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर कराना पड़ेगा और रिजल्ट भी निर्धारित समय सीमा के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना कि लास्ट कब हुआ, अच्छा खासा समय हो गया, तो डेफिनेटली बीटेट कराना पड़ेगा। और रही बात एस्टेट की मेरे भाई, तो एस्टेट में आनंद किशोर सर ने कहा था, चेयरमैन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, कि साल में 2 बार एस्टेट कराया जाएगा, तो मुझे उनसे निवेदन करना है कि भैया आप विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखें और 2 बार कराएं, क्योंकि लाखों की संख्या में विद्यार्थी जो है डीएड डीएलएड और बीएड की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो वो कॉलेज से पास करके क्या करेंगे जब तक बीटेट और नहीं हो पाएगा या फिर जब तक एस्टेट नहीं हो पाएगा, वो कैसे 9, 10, 11, 12 के शिक्षक बनेंगे? तो उनके भी कंडीशंस को देखना होगा और ऐसी परिस्थिति के अंदर में साल में 2 बार जो एस्टेट की परीक्षा है वो आयोजित समय से हो जाए तो बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। बीपीएससी TRE हो या 3 हो, दोनों व्यक्ति को एक एक कंफ्यूजन दूर किया गया। यदि इसके बावजूद भी कोई आपके मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।